बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। वहीं इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस केस में दो चश्मदीद सामने आए हैं जिन्हें गवाह बनाया गया है। इनका कहना है कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उस समय मौकाए वारदात पर ये लोग मौजूद थे। उन्होंने पूरी घटना का आंखों देखी हाल भी बताया है। सचेंडी कस्बा के रहने वाले दुर्गेश सिंह भदौरिया ने बताया वह रोज की तरह 9 जुलाई की सुबह करीब 5:30 पर घर से टहलने के लिए निकले थे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास के श्री आर्ट के पास खड़ा हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट गई। मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति गाड़ी के पिछले दरवाजे से हाथ में पिस्टल लेकर बाहर निकला और हाईवे के बाईं ओर कच्ची पगडंडी पर भागा। दुर्गेश के मुताबिक कुछ दूर तक विकास उल्टा दौड़ा ताकि पीछा कर रहे पुलिस वालों को देखकर गोलियां दाग सके। इस बीच मैंने 2 राउंड गोलियों की आवाज भी सुनी जिसे सुनते ही वह घबरा कर घर लौट आए। वहीं दूसरे चश्मदीद प्रदीप सिंह ने बताया कि जानवरों का झुंड हाईवे पर आने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलटी थी। गाड़ी के ड्राइवर या किसी अन्य जगह से टकराना उन्होंने नहीं देखा था। बता दें कि बिकरू कांड को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए 5 असलहे बरामद कर लिए गए हैं। रिमांड पर लिए गए गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गों की निशानदेही पर भीटी गांव के पास असलहे मिले हैं। 2 जुलाई की रात यूपी पुलिस की टीम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई एक DVBL गन, राइफल और 3 तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस को असलहों के साथ 5 देसी बम और भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं।